हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास गुप्ता और सल्यूशन बाय बीकेएस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हम लोगों का वीडियो है गाइस कि एन एरे नंबर फॉर ईच नंबर फाइंड आउट, ईच नंबर जिसमें एक इंडेक्स होगा, फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स इन दी एरे आर स्मॉलर देन इट। तो हम लोगों का एक एरे है जिसमें जिसमें के एरे के इंडेक्स सपोज दैट आइथ आइट कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, कितने नंबर उससे स्मॉलर है, दैट्स इट। हम लोगों को इतना ही करना है। फॉर ईच नंबर यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वैलिड जे सच दैट जे इज नॉट इक्वल टू आई एंड नंबर इज लेस देन, जो नंबर जे जो है वो नंबर आई से स्मॉलर है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है गाइज। इनपुट हम लोग देंगे, इनपुट हमारा जो लिस्ट होगा ये होगा 8, 1, 2, 2, 3 और आउटपुट हम लोगों का को एक लिस्ट में मिलेगा जिसमें 4, 4। ये कैसे आउटपुट आया है जीरो इंडेक्स पे, तो 4 ऐसे आउटपुट आया है कि 8 जो है 8 से स्मॉलर कितने नंबर हैं, 8 से 1 स्मॉलर है इसका मतलब 1, 2 स्मॉलर है 2, 3, 4, ये चारों 8 से छोटे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 4 ये होगा काउंट। फिर यहाँ दूसरे इंडेक्स पे जाते हैं यानी इंडेक्स नंबर 1 पे, इसमें 0 आया है क्योंकि इससे स्मॉलर कोई भी इससे छोटा नहीं है। फिर 2 पे, 2 से सिर्फ एक ही छोटा है वो भी 1, फिर 2, 2 से छोटा एक ही है 1, फिर 3, 3 से 3 छोटे हैं, जैसे 1, 2, 3, तीनों एलिमेंट 3 से छोटे हैं। तो हम लोगों को एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये हम लोग इनपुट देंगे और ये हम लोगों को आउटपुट में मिलेगा। तो गाइज हम लोगों का ये पाइथन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं सबको एज्यूम करूंगा सबको लूप पता होगा, लिस्ट पता होगी और बेसिक पाइथन तो आनी ही आनी चाहिए। और इस ये हम लोगों का जो प्लेलिस्ट है पाइथन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, तो मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं गाइज और मैंने भी इंटरव्यू दिए भी हैं बहुत सारे, तो उसमें ये सब मैं वहां से क्वेश्चन ये शॉर्ट लिस्ट करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पाइथन के इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में पूछे जाते हैं जिसमें आपका कोडिंग स्किल चेक करेंगे, वेदर यू आर गोइंग फॉर द डेटा साइंस प्रोफाइल या फिर आप डेटा एनालिसिस के प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर के प्रोफाइल पे जा रहे हैं या फिर पाइथन डेवलपर के प्रोफाइल पे जा रहे हैं, तो ये सब कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन ये सब आने ही आने चाहिए गाइस। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं इस ये जो हम लोगों का कोडिंग प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने अपने फेवरेट आईडीई पर। तो मेरा फेवरेट आईडीई है माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड। तो गाइज तो आज मैं हमेशा जितने भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करता हूँ तो फंक्शन बना के करता हूँ, तो वो एक तरीका हो गया, लेकिन आज हम लोग फंक्शन नहीं बनाएंगे, बिना फंक्शन के ही अपने एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे। तो हमारा एरे है सपोज आज का हम लोगों का एरे इनपुट जो होगा वो होगा 8, 1, 1, 2, 2, 3 या और हम लोग पहले तो एक आउटपुट ये स्मॉलर आउटपुट जो होगा हम लोगों का वो उसे एक इनिशियलाइज कर लेते हैं पट्टी लिस्ट में। तो गाइज मैं अपने वीडियो में कोई भी एडिट नहीं करता हूं ताकि आप सभी को स्टेप वाइज स्टेप पता रहे कि हो क्या रहा है कोड में, ना कि एडिट कर दूं जहां पे भी मैं गलती करूं ताकि आप लोगों को पता चले कि या इस चीज से ये गलती होगी। तो एडिट अगर वो हो जाएगा तो आप लोग अगर एरर नहीं देखेंगे, एरर को रिजॉल्व करना नहीं सीखेंगे तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का या फिर सीखने का। तो मेन चीज मेन मेरा पर्पज है वीडियो को ना एडिट करना ना कट करना, यही है कि जो भी मैं गलती करूंगा या फिर जो भी एरर आएंगे मैं उसे आपके सामने रिजॉल्व करूंगा और जिससे आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया मेरा एक, ये मैंने एक स्मॉलर आउटपुट नाम से एक लिस्ट बना दिया जिसमें हम लोग इसका आउटपुट जो भी स्मॉलर आउटपुट का जो आएगा, जो हम लोग का प्रॉब्लम का आउटपुट आएगा उसमें हम लोग स्टोर करेंगे। तो मैं एक लूप चला देता हूँ वैल्यू इन एरे, ठीक है, इसमें से एक एक इंडेक्स निकल के आएंगे, एक एक एलिमेंट निकल के आएंगे,
ठीक है, मैं पहले एक एक एलिमेंट निकालूंगा इसमें से। सपोज मैंने जीरो थे एलिमेंट निकाला, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसे करने वाला हूँ। जीरो थे एलिमेंट निकाला और मैं इस लिस्ट में सारे लिस्ट से चेक करूंगा। जीरो थे एलिमेंट पे 8 है, मैं सारे एलिमेंट से चेक करूंगा कि भाई जीरो से इससे छोटा है क्या। फिर से एक नया लूप बना लेता हूँ, फॉर वैल्यू 2 कर देता हूँ, या फिर इनर वैल्यू कर देता हूँ। ये थोड़ा ज्यादा रीडेबल है। इन सेम एरे, उसी एरे को मैं लूप करता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले इसको चेक करूंगा, इसी को इसी लिस्ट में से चेक करूंगा कि हेलो भाई ये जीरो इंडेक्स का जो 8 है वो 8, पहले तो जीरो इससे चेक करेगा इससे छोटा है क्या। नहीं, इससे तो इससे 8, 8 से कैसे छोटा हो सकता है। तो फिर मैं इससे चेक करूंगा, हाँ भाई इससे छोटा है। तो मैं एक एक और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ काउट नाम का, या फिर काउंट, या फिर काउट, मैं काउट ही प्रेफर करता हूँ, ठीक। क्योंकि काउंट कई बार क्या होता है कीवर्ड में वो मिसमैच हो जाता है। तो मैं इनिशियली वो सोचूंगा कि हाँ भाई मेरा जो मिनिमम वैल्यू है जीरो है, वो इनिशियल फेज में। तो इसे हम लोग बढ़ाते रहेंगे। तो मैं एक यहाँ पे दूसरा लूप चला लिया, फिर मैं चेक करूंगा हाँ भाई ये जो जीरो थ इंडेक्स है ये इसकी वैल्यू है क्या, मेरे इनर वैल्यू से, ये इस इनर वैल्यू है जो, ये क्या इससे छोटी है। अगर छोटी होगी, ठीक है, अगर छोटी होगी तो हम अपने काउंट के वेरिएबल को एक बढ़ा देंगे। इसका मतलब इसमें हाँ भाई एक तो मिल गया, एक ऐसी वैल्यू है जो छोटी है। अगर नहीं होगी छोटी तो ये फिर से लूप चलेगा जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं होगा। तो जीरो इंडेक्स के लिए ये एक बार लूप चलेगा, फर्स्ट के लिए एक बार लूप चलेगा। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग लूप चलाएंगे। उसके बाद जब ये एक बार ये लूप कंप्लीट हुआ जीरो इंडेक्स के लिए, तो जो भी काउंट की वैल्यू आएगी वो जितनी भी बढ़ के हो गई होगी हम लोग स्मॉलर आउटपुट में अपेंड कर देंगे, ठीक है गाइस। अभी अपेंड कर दिया हम लोगों ने, तो अब हम लोग इसे टेस्ट कर लेते हैं स्मॉलर आउटपुट में क्या ही आया। प्रिंट करा लेता हूं, ठीक। स्मॉलर आउटपुट में आ गया है, पहले तो जीरो इंडेक्स पे 5 आया। इसका मतलब जो जीरो इंडेक्स पे 8 था वो 5 बार, 5 ऐसी वैल्यू है जो उससे छोटी है, यानी ये सारी की सारी छोटी है। फिर जो ये फर्स्ट इंडेक्स पे था वो 0 बार, सेकंड इंडेक्स पे जो था वो 0 बार, ये दोनों ऐसी वैल्यू है, इनसे छोटी कोई वैल्यू ही नहीं है आपके लिस्ट में भाई साहब। तो इसीलिए ये 0 आई है, ठीक है। उसके बाद ये 2 है, 2 से छोटी कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू आई है। 2 कौन कौन सी वैल्यू ऐसी हैं 2 से छोटी हैं, ये 1 1 जो 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो उससे छोटे हैं। सो ऐसे ही ये ऐसे सो ऑन, ये भी 2 2 बार आया क्योंकि ये 2 है। 3 से छोटे कितने हैं, 3 से छोटे हमारे 4 भाई बंधु हैं जो 3 से छोटे हैं। सो ये रहा गाइस, ये क्वेश्चन मैंने लीट कोड के क्वेश्चन से उठाया है। और जैसे जैसे हम लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों की डिफिकल्टी लेवल भी मैं बढ़ाते जाऊंगा। सो डोंट वरी गाइस, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी होगा जो भी इश्यू होगा आपका रिजॉल्व करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल सल्यूशन बाई BKS के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने 10 वीडियो अभी तक डाल दिए हैं इस प्लेलिस्ट में, जाएं पाइथन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अगर नॉर्मल आप कॉलेज में हो और पाइथन को अच्छे से सीखना चाहते हो, तो तब भी आप ये वीडियो देख के पाइथन के क्वेश्चन सीख सकते हो। मैं ये सारे क्वेश्चन ये हैकर रैंक या फिर लीट कोड से ही उठाता हूँ। तो दैट्स ऑल गाइज, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी आपकी फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो का जो कोड है, जो ये मैंने कोड लिखा है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक दे दूंगा, आप वहां से अपने कोड को देख सकते हो, ठीक है गाइस। देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।